डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस module मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर the topic under एंड द टॉपिक सेल्फ compassion. जब हम सेल्फ compassion की बात करते हैं तो नो डाउट उसके साथ हमारे अंदर resilience का होना भी जरूरी है उसके साथ हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल का होना भी जरूरी है और हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो तभी हम अपने सेल्फ compassion को वो demonstrate कर सकते हैं अब सेल्फ कंपेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देर आर फ्यू थिंग्स और ये चीजें हमें इस करें इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि वाई कांट वी ट्रीट अवर ओन सेल्फ द वे वी ट्रीट अवर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रायल और चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए अपनी हर मदद पेश करने को तैयार हैं दूसरों की मदद के दौरान हम अपने अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी फील करते हैं तो वो सारी एनर्जी वो सारी कंसेंट्रेशन वो हमारी अपनी जात के लिए क्रिएट क्यों नहीं हो पाती सो सेल्फ कम्पेशन के लिए यह जरूरी होगा कि हम अपने आप को भी पॉजिटिवली ट्रीट करें हम अपने वेल well बींग पर वो फोकस करें और याद रखें कि आपके वेल well बींग के ऊपर फोकस होने से ही आप दूसरों की मदद भी कर पाओगे बिकॉज इफ यू योर सेल्फ आर नॉट फीलिंग गुड इफ़ यू आर सिख इफ यू आर डाउन तो ऑब्वियसली उस वक्त आप किसी और की मदद वो कैसे कर पाओगे द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन सेल्फ कम्पेशन इज दैट वेन थिंग्स गो रॉन्ग इन आर लाइफ वी टेंट टू बिकम आवर ओन वर्स्ट एनिमी ये चीज़ बहुत जरूरी है हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं हम अपने अंदर ये बात क्रिएट कर लेते हैं कि शायद हम एक फेलियर हैं और ये चीज़ हमें नाकामी के दुराहे पर ला वो खड़ा कर देगी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने आप को सबसे पहले स्ट्रांग बनाएं बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ ही दूसरों के साथ इवेंचुअली वो शेयर हो पाएगी तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सेल्फ इनपैन इज दैट सेल्फ कंपेशन इज कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटलीटिंग विद मैर्स ऑफ इमोशनल वेलबींग सच एज ऑप्टिमिज्म और ये ऑप्टिमिज्म हमारे लिए बहुत जरूरी है द सेकेंड थिंग इज लाइफ सेटिस्फेक्शन देन ऑटोनोमी विजडम एंड ऑब्वियसली वी हैव टू रिड्यूस द एंगजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ शेम तो ये तमाम चीजें वो हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी वो क्रिएट करती हैं उस नेगेटिव एनर्जी को हमें अवॉइड करना है और उस नेगेटिव एनर्जी को अवॉइड कर कर ही हम बेहतर तौर अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दूसरों की सपोर्ट दूसरों को प्रमोट वो कर पाएंगे अब इस हवाले से याद रखिएगा कि सेल्फ कंपेशन के हवाले से हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज

कि इस सारे अमल में हम अकेले नहीं हैं हम तरह नहीं है और भी बहुत से लोग हो सकता है उस सिचुएशन के अंदर हमसे ज्यादा मुश्किल के अंदर गिरफ्तार वो हो तो हमें इस बारे में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम अपने एनालिसिस को सिर्फ अपने हद तक महदूद ना रखें अपने क्रिटिसिज्म को अपने हद तक महदूद ना रखें बल्कि सिचुएशन के अंदर मौजूद तमाम स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस और तमाम स्टेक होल्डर की वैल्यू तमाम स्टेक होल्डर के इश्यूज उनको भी मद्देनजर रख पाए इसी तरह द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ काइंडनेस जिसका मतलब ये होगा कि अ काइंड एंड वार्म हार्टेड रिस्पॉन्स टू अवर सेल्फ जब तक आप अपने साथ सिंसियर नहीं होगे तब तक आप दूसरों के साथ भी सही sincerity के साथ पेश वो नहीं आ सकते डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल्फ कंपैशन हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने बारे में मुस्बत सोचें जब हम अपनी सेल्फ एस्टीम को मद्देनजर रखें जब हम सेल्फ एफिकेसी को वो अपने अंदर क्रिएट करें हमें यह चीज फील करनी पड़ेगी कि यस वी कैन डू इट सेल्फ कंपैशन नॉट मीन कि हम किसी लव का शिकार हो रहे हैं कि हम दूसरों के साथ मुस्बत रिएक्ट मुस्बत अमल वो कर सकें डियर स्टूडेंट अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि सेल्फ कंपैशन होने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी वो क्रिएट होगी और उस पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएट होने से हम दूसरों की भी मदद बेहतर तरीके से कर पाएंगे याद रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट अवर सेल्फ एंड देन वी हैव टू गो फॉर अदर्स थैंक यू